हाय एवरीवन, वेलकम टू मेरा फिजियो, अ पैन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बेसिकली एक वर्टिब्रल कॉलम का डिसऑर्डर होता है। इसलिए स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में समझने और देखने से पहले हम बात करेंगे स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। सो बेसिकली हमारा जो स्पाइन है वो हमारे बॉडी का एक सेंट्रल सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। इससे ही हमारे बॉडी के पूरे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स कनेक्टेड रहते हैं। हमारी स्पाइन के हेल्प से ही हम खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं और बेंड हो सकते हैं। किसी भी तरह की अगर बैक इंजरी होती है या स्पाइनल कॉर्ड कंडीशन होती है या किसी भी प्रॉब्लम के कारण अगर स्पाइन डैमेज होता है तो इससे हमें बैक पेन देखने को मिलता है। ये बैक पेन कई नेचर के हो सकते हैं, ये लोकलाइज्ड हो सकते हैं या रेडिएटिंग हो सकते हैं। सो अगर हमारे स्पाइन कंडीशंस, स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी कंडीशन हो रही है या हमारे कोई भी बैक इंजरी है जिससे हमारे या तो स्पाइनल मसल्स टाइट हैं या कोई भी स्पाइनल नर्व कंप्रेस्ड हुई है या हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, हमारे वर्टिब्रास में कोई भी फ्रैक्चर हुआ है, सो इनके कारण हमारे बैक में पेन हो सकता है। ये बैक पेन हमारे लोअर लेग में भी रेडिएटिंग हो सकता है। इनके कारण बहुत सारे सेंसरी चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं अगर वहाँ पे नर्व रूट के कंप्रेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्पाइन से बहुत सारे नर्व्स ओरिजिनेट करती हैं, सो इन नर्व्स में अगर किसी भी तरह का कंप्रेशन होता है तो वो हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण हमें रेडिएटिंग पेन या टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस, ये हमें फील हो सकता है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द स्पाइन के बारे में। बेसिकली एक हेल्दी स्पाइन में तीन नेचुरल कर्व होते हैं जो हमारे स्पाइन को एस शेप देते हैं। इस कर्व का बेसिक जो फंक्शन रहता है वो कि हमारे बॉडी में जितने भी शॉक्स लगते हैं उन शॉक को एब्जॉर्ब करना और हमारी स्पाइन को प्रोटेक्ट करना इंजरी से। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पाइन की बात करें तो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा वर्टिब्रा। हमारे स्पाइन में ऑलमोस्ट 33 स्टैक्ड वर्टिब्रे प्रेजेंट होते जो कि एक छोटी छोटी बोन के फॉर्म में रहते हैं और इन्हीं 33 स्टैक्ड वर्टिब्रे स्मॉल बोन्स को जो कॉम्बिनेशन है वही हमारा स्पाइनल कैनाल फॉर्म करते हैं। सो बेसिकली स्पाइनल कैनाल एक टनल के फॉर्म में होता है जहां पे स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स ये अपने घर बना के रहते हैं। मतलब कि स्पाइनल कैनाल के अंदर ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं इंजरी से। हमारे जो लोअर वर्टिब्रे यानी कि सैक्रम और कॉसिक्स, ये दोनों वर्टिब्रे फ्यूज्ड रहते हैं। फ्यूजन के कारण इनमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता, लेकिन उसके अलावा हमारे जो बाकी वर्टिब्रेज हैं उन वर्टिब्रा में मूवमेंट होता है और ये इन्हीं वर्टिब्रे के मूवमेंट्स के कारण हमारी जो स्पाइन है उसमें मोबिलिटी होती है।
फेसेट जॉइंट्स। हमारे स्पाइनल जॉइंट्स में कुछ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, स्लिपरी कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे वर्टिब्रस को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में हेल्प करते हैं। और फेसेट जॉइंट्स बेसिकली हमारे ट्विस्टिंग और टर्निंग मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इससे हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी मिलती। इन्हीं जॉइंट्स में सबसे ज्यादा अर्थराइटिस या ऐसे या बैक पेन या नेक पेन देखने को मिलता। सो इन जॉइंट्स में अगर किसी तरह की डिफॉर्मिटी है या किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी है या इनके कार्टिलेज में कोई भी डिफेक्ट है, तब हमारे जो स्पाइन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इस फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी के कम होने के कारण या फिर एज के कारण डीजनरेशन होने से, जिसे हम अर्थराइटिस कहते हैं, इन अर्थराइटिस या वेयर एंड टीयर या फिर फ्लेक्सिबिल लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी के कारण ही पेशेंट को बैक पेन और नेक पेन जैसे सिम्टम्स मिलते। इंटरवर्टिब्रल डिस्क बेसिकली दो वर्टिब्रे के बीच में हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं। ये फ्लैट, राउंड और हाफ इंच थिक स्ट्रक्चर होते हैं। इनके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस पल्पोसस और एक होता है एनेलस फाइब्रोसस। सो न्यूक्लियस पल्पोसस बेसिकली एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे डिस्क का सेंटर होता है। ये जो जेली सब्सटेंस है, ये बेसिकली वाटर से बने होते हैं और यही हमारे डिस्क को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एनुलस फाइब्रोसस बेसिकली आउटर रिंग होता है डिस्क का। इसमें कई लेयर्स होते हैं और ये लेयर्स सिमिलर टू इलास्टिक बैंड होते हैं, तो जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती। जब भी हम कोई स्टैंडिंग या मूविंग मूवमेंट करते हैं या तब हमारे जो न्यूक्लियस है उस पे वेट आता है। इन रेस्पॉन्स न्यूक्लियस हमारा एक्सपैंड करता है और एनुलस उस न्यूक्लियस को एक प्लेस में होल्ड करके रखता है। इसी से हमारे बॉडी या स्पाइन में मूवमेंट होता है और इसके कारण ही हमारे जो स्पाइन की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहती है। जो बेसिकली हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं, ये हमारा एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। अगर किसी भी रीजन से एनुलस फाइब्रोसस इंजर्ड हो जाए और न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आने को हो जाए या उसका प्रोट्रूशन हो जाए, तो वो हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क के स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर देते हैं, जिसके कारण हम कई नर्व एंडिंग्स जो सप्लाई करती हैं एनुलस को, वो भी इंजर्ड हो जाते हैं। इस इंजर्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क और इंजर्ड एनुलस फाइब्रोसस और उसके साथ सप्लाई होने वाली इंजर्ड नर्व एंडिंग के कारण ही पेशेंट को बैक पेन देखने को मिलता। स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। सो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली हमारा एक्सटेंड करता है हमारे स्कल के लोअर पार्ट से और ट्रेवल करता है नीचे तक हमारी लोअर बैक। हर पूरे स्पाइनल कॉर्ड में हमारे स्टैक्ड वर्टिब्रा यानी छोटी छोटी हमारी जो वर्टिब्राज हैं वो प्रेजेंट होती हैं और यही पूरा जो हमारे स्कल से स्टार्ट होकर के हमारे लोअर बैक तक टर्मिनेट करते हैं, यही पूरे मिलके हमारा सेंट्रल कैनाल फॉर्म करते हैं। पूरे स्पाइनल कॉर्ड में एन नंबर ऑफ नर्व ओरिजिनेट होती हैं और यही नर्व्स हमारे जो मैसेज है वो ट्रांसमिट करती हैं जो हमारे ब्रेन और मसल्स के बीच में होता है। स्पाइनल कॉर्ड के एंड में जो हमारा फर्स्ट
और सेकंड लंबर वर्टिब्रा है लोअर बैक का, वहां तक नर्व रूट्स का कंटिन्यूएशन रहता है। यहीं पे एक बंडल ऑफ नर्व रूट प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कॉर्डा इक्वाइना कहते हैं। इस कॉर्डा इक्वाइना में एक क्लस्टर होता है नर्व रूट्स का। सो स्पाइनल, ये नर्व रूट्स हमारे स्पाइनल कैनाल की ओपनिंग जो कि हमारा वर्टिब्रल फोरामेन होता है वहां से एग्जिट करती। इन अगर हम पेल्विस की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ नर्व ग्रुप हमारे सियाटिक नर्व से एक्सटेंड करती है और हमारी जो लोअर लेग को सप्लाई करती है। सो अगर हमारे बैक पेन हमारे लोअर लेग तक रेडिएट हो रहा है तो हम कहते हैं कि सियाटिक नर्व का कंप्रेशन हुआ है, जिसके कारण पेशेंट को सियाटिका जैसी कंडीशन देखने को मिलती। और इस सियाटिका जैसी कंडीशन में पेशेंट को एक्सटेंसिव पेन फील होता है, पेशेंट का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, पेशेंट को पेन पूरी बॉडी में, ऑलमोस्ट जो लोअर बॉडी है पूरी लोअर बॉडी में पेन होगा, कई बार नंबनेस और टिंगलिंग जैसी सेंसेशन भी फील होगी और पेशेंट को कई बार बर्निंग सेंसेशन जैसी भी फील होती। सॉफ्ट टिश्यूज, लिगामेंट्स बेसिकली कनेक्ट करते हैं वर्टिब्रा को सो दैट जो स्पाइन है वो एक पोजीशन में इंटैक्ट रहे, और मसल्स हमारे सपोर्ट करते हैं बैक को जिससे वो मूव कर सके, यानी कि हमारे मूवमेंट्स जो हमारा मूवमेंट होता है वो सपोर्ट किया जाता है मसल्स। सो टेंडन्स कनेक्ट करते हैं मसल को बोन से और एड करते हैं मूवमेंट। सो बेसिकली अगर हम देखें तो लिगामेंट्स हमारे वर्टिब्रे को होल्ड रखते हैं, मसल्स हमारे बैक को सपोर्ट करते हैं और टेंडन्स हमारे जो मसल और बोन के कनेक्शन होते हैं उनको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं स्पाइन सेगमेंट्स के बारे में। 33 वर्टिब्रा बेसिकली एक 5 डिस्टिंक्ट स्पाइन सेगमेंट्स को बनाते हैं। सो 5 डिस्टिंक्ट स्पाइन सेगमेंट डिवाइडेड होते हैं जो मिल करके हमारे डिवाइड होने के बाद 33 वर्टिब्रा को फॉर्म करते हैं। हमारे जो नेक है ये वर्ट सेगमेंट्स नेक से स्टार्ट होकर के हमारे बटक यानी रियर एंड तक एक्सटेंड करते हैं। सबसे पहला जो सेगमेंट होता है वो हमारे नेक का होता है जिसे हम सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं। यहाँ पे 7 वर्टिब्रा होता है, C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। हमारे जो नेक वर्टिब्रा है यही हमारे नेक के टर्निंग, टिल्टिंग और नॉडिंग मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सर्वाइकल स्पाइन हमारा एक इनवर्ड सी शेप फॉर्म करता है जिसे हम लॉर्डोटिक कर्व कहते हैं। सो हमारा जो पहला सेगमेंट है वो है हमारा सर्वाइकल सेगमेंट, और सर्वाइकल सेगमेंट में हमारे 7 वर्टिब्रे होते हैं। इन वर्टिब्रे की हेल्प से हमारे नेक के मूवमेंट्स पॉसिबल होती हैं और यही एक इनवर्ड सी शेप का कर्व बनाते हैं जिसे हम लॉर्डोटिक कर्व कहते हैं। सर्वाइकल के बाद हमारा थोरेसिक सेगमेंट आता है या मिडिल बैक। सो हमारे जो चेस्ट या थोरेसिक पार्ट होती है स्पाइन की उसमें 12 वर्टिब्रे होते हैं जो कि T1 से T12 तक के होते हैं। सो बेसिकली T1, T2, T3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो
हमारे जो थोरेसिक स्पाइन होती है उससे हमारे रिब्स अटैच्ड होते हैं, इसलिए अगर किसी को भी थोरेसिक एरिया में कोई इंजरी होती है वो अल्टीमेटली पेशेंट की ब्रीदिंग को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि हमारे जो रिब्स हैं वो अटैच्ड होते हैं हमारे थोरेसिक स्पाइन से। स्पाइन का ये सेक्शन जेंटली बेंट आउट होता है, एक बैकवर्ड सी शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक यहाँ पे जो सी शेप का बैकवर्ड सी शेप का एक कर्व फॉर्म होता है, इसे ही हम काइफोटिक कर्व कहते हैं। सो बेसिकली जैसा हमने बात किया था पहली स्लाइड में कि हमारे स्पाइन में कर्व्स हैं जो हमारे बॉडी के शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। सो पहला कर्व हमारा लॉर्डोटिक कर्व है जो कि सर्वाइकल स्पाइन से बनता है, दूसरा हमारा है काइफोटिक कर्व। लंबर या लोअर बैक, सो लंबर और लोअर या लोअर बैक सबसे ज्यादा प्रोन होती है इंजरीज में। यहाँ बेसिकली फाइव वर्टिब्रे होते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। सो ये पांचों से वर्टिब्रे मिल करके हमारी जो लंबर स्पाइन है इसे फॉर्म करते हैं। लंबर स्पाइन सपोर्ट करते हैं हमारे जो अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन होती है, यानी कि एक ये एक बेस की तरह काम करते हैं हमारे सर्वाइकल और थोरेसिक्स पार्ट के लिए। ये हमारे पेल्विस को कनेक्ट करते हैं और जो मेजर वेट है बॉडी का वो यहीं से बियर किया जाता है। जब भी कोई भी हम स्ट्रेस ऑफ लिफ्टिंग या कोई कैरिंग आइटम का स्ट्रेसफुल मूवमेंट करते हैं तो सबसे पहले उसका जो स्ट्रेन है वो हमारे लोअर बैक में आता है, इसलिए हमारी जो लोअर बैक है सबसे ज्यादा प्रोन होती है लम बैक पेन के लिए या इंजरी के लिए। बेसिकली 90% जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे लंबर स्पाइन में ही होती है। सो लंबर स्पाइन भी एक सी शेप का कर्व फॉर्म करते हैं। सैक्रम, ये एक ट्राइंगल शेप की बोन होती है जो हिप को कनेक्ट करते हैं। यहाँ फाइव सैक्रल वर्टिब्रा S1, S2, S3, S5 होते हैं। ये पांचों सैक्रल वर्टिब्रा एक दूसरे में फ्यूज होते हैं और ये फ्यूजन जब बेबी डेवलप हो रहा होता है वोम में तभी ये फ्यूजन होता है, इसलिए सैक्रम का कोई भी मूवमेंट नहीं होता क्योंकि इनके सारे वर्टिब्रस फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए ये मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते। सैक्रम या हिप बोन दोनों मिल करके हमारे एक रिंग फॉर्म करते हैं जिसे हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। कॉसिक्स या टेल बोन, कॉसिक्स में हमारे जो चार वर्टिब्रे होते हैं जो कि फ्यूज्ड होते हैं और ये हमारी एक छोटी सी बोन फॉर्म करते हैं एट द बॉटम ऑफ द स्पाइन। बेसिकली हमारे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं और लिगामेंट्स हैं वो अटैच्ड होते हैं कॉसिक्स के साथ, इससे अगर किसी को कभी टेल बोन पेन है तो उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स और लिगामेंट्स को भी चेक और एग्जामिन किया जाता है कि कहीं कोई पेल्विक फ्लोर मसल की वीकनिंग तो नहीं है या कोई लिगामेंट का टियर तो नहीं है जिसके कारण पेशेंट को टेल बोन पेन हो रहा है। इन चार वर्टिब्रास में भी कोई मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि ये फ्यूज्ड रहते हैं सैक्रम यानी सैक्रल वर्टिब्रेस की तरह, इसलिए इनमें भी किसी तरह का मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता।
अगर हम अपने स्पाइन को फ्रंट हिस्से से देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता, जिसमें हमारे वर्टिब्रा जो है और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो आप ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स बीच बीच में देख पा रहे हैं, वो हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस पल्पोसस और एनुलस फाइब्रोसस प्रेजेंट होते हैं, और जो हम उनके बीच में दो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में हम जो स्ट्रक्चर बोनी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यही हमारे वर्टिब्रे होते हैं, जो कि हमारे स्कल के निचले हिस्से से हमारे लोअर बैक तक एक्सटेंड करते हैं, और ये पूरे मिल करके हमारे जो स्पाइनल कॉलम है उसे, ये वर्टिब्रल कॉलम है उसे फॉर्म करते हैं। हमारे स्कल के निचले हिस्से में से वहां से शुरू होता है हमारा स्पाइन, और वहां पे सबसे पहला सेगमेंट होता है हमारा सर्वाइकल सेगमेंट, जहां बेसिकली 7 वर्टिब्रेस होते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। फिर C7 के नीचे से हमारा थोरैसिक वर्टिब्रेस और स्टार्ट होते हैं, जो कि हमारे रिब से अटैच्ड होते हैं। ये वर्टिब्राज रिब से अटैच्ड हैं, इसलिए अगर थोरैसिक वर्टिब्रा में कहीं पर भी कोई भी इंजरी होती है, सो वो अल्टीमेटली इंजरी हमारे रिब केज में भी हो सकती है, जिसके कारण पेशेंट को ब्रीदिंग की डिफिकल्टी हो सकती है। थोरेसिक में हमारे 12 वर्टिब्रेज होते हैं। उसके बाद हमारा आता है लोअर वर्टिब्रेज, जैसे कि हमारे लंबर वर्टिब्रा। सो लंबर वर्टिब्रा में बेसिकली हमारे 5 छोटे वर्टिब्राज होते हैं, यानी हमारे लंबर सेगमेंट में 5 वर्टिब्रा होते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। बेसिकली लंबर सेगमेंट ही हमारा सबसे ज्यादा प्रोन होता है इंजरी के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेट बियरिंग होता है वो हमारे लंबर सेगमेंट ही होते हैं। लंबर सेगमेंट के बाद सैक्रम होता है, जहाँ पे 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रेस प्रेजेंट होते हैं। इन 5 वर्टिब्रेस में कोई मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि जब बेबी डेवलप हो रहा होता है वूम में, तभी इनका फ्यूजन हो जाता है। सैक्रम के बाद हमारे कॉसिक्स होते हैं या टेल बोन होते हैं। सो कॉसिक्स में भी हमारे 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्यूज्ड वर्टिब्रा में भी कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। सो हमारे जो सैक्रम है और हमारा जो पेल्विक है, ये दोनों मिल करके जो रिंग फॉर्म करते हैं, वो हमारा पेल्विक गर्डल बनता है, और हमारे जो टेल बोन है यानी कॉसिक्स है, ये हमारे कनेक्टेड रहते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स और लिगामेंट्स। तो जैसा मैंने पिछले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे पहले सर्वाइकल स्पाइन है, फिर थोरैसिक स्पाइन है, फिर लंबर है, और फिर सैक्रम और कॉसिक्स है। तो अगर हम बैक पार्ट से देखें तो कुछ इस तरह से हमें अपनी स्पाइन देखने को मिलती है। बेसिकली ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सब पूरे स्पाइनल कॉलम का, जिसमें हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा है। जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा का फर्स्ट वर्टिब्रा यानी C1 होता है, उसे हम एटलास नाम से जानते हैं, और हमारा जो C2 है वो एक्सिस नाम उसको दिया गया। सो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं C1 से C7, ये हमारे सर्वाइकल सेगमेंट को फॉर्म करते हैं। फिर हमारे T1 से T12 हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं, फिर हमारे L1 से L5 हमारे लंबर वर्टिब्रा होते हैं, फिर हमारे 5 फ्यूज्ड सैक्रम और 4 फ्यूज्ड कॉसिक्स होते हैं।
अब इंडिविजुअली हम बात करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा और अपने दूसरे वर्टिब्रास के बारे में। सो हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसमें हमारे सेवन सेगमेंट्स या सेवन वर्टिब्रा होते हैं, यानी हमारे सर्वाइकल स्पाइन जो है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर सर्वाइकल रीजन एंड लोअर सर्वाइकल रीजन। सो अपर सर्वाइकल रीजन फॉर्म करते हैं हमारे C1 एंड C2, जो लोअर सर्वाइकल रीजन है वो फॉर्म करते हैं हमारे C3 से लेके C7 तक। यानी C1 और C2 हमारे अपर सर्वाइकल रीजन, C3, C4, C5, C6, C7 ये हमारे लोअर सर्वाइकल रीजन। C1 बेसिकली हमारे एटलास है, C2 एक्सिस। जो हमारा ऑक्सीपुट है, जो हमारा जिसको हम ऑक्सीपुट बोन भी कहते हैं, वो एक फ्लैट बोन होती है जिससे हमारा बैक ऑफ द हेड फॉर्म होता है। अगर हम एटलास के बारे में बात करें, जो कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, सो ये बेसिकली हमारे स्कल को सपोर्ट करते हैं, और इसमें अपीयरेंस में ये हमारे बाकी स्पाइनल वर्टिब्रे से डिफरेंट होता है। एक रिंग ऑफ बोन फॉर्म करता है जहां दो लैटरल मासेस जॉइंट होते हैं, और जो फ्रंट में और बैक में दो आर्च प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर आर्च और पोस्टीरियर आर्च। सो एंटीरियर आर्च और पोस्टीरियर आर्च इसकी बैक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, और जो हमारे जो लैटरल मासेस होते हैं दो, वो इसके फ्रंट पार्ट को फॉर्म करते हैं। सो बेसिकली एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। एक्सिस यानी कि C2। सो एक्सिस हमारा बेसिकली सेकंड वर्टिब्रा होता है, जिसे हम C2 के नाम से जानते हैं। इसमें एक ब्लंट टूथ लाइक प्रोसेस होता है जो अपवर्ड की तरफ प्रोजेक्ट करता है, जिसे हम डेंस कहते हैं या ओडोन्टॉइड प्रोसेस कहते हैं। इस डेंस प्रोसेस, ये जो डेंस है वो एक प्रोवाइड करता है एक टाइप ऑफ पाइवट और कॉलम, जो अलाउ करता है कि इसका हेड हेड जो है और एटलास वो रोटेट हो सके इस डेंस के अराउंड। सो बेसिकली एक रोटेशन मूवमेंट के लिए ये एटलास से जॉइंट होते हैं, या वहां एक पाइवट जैसी चीज एक कॉलर बनते हैं। कुछ इस तरह से हमारा एटलास और एक्सिस होता है। सो एटलास और एक्सिस, एक्सिस में एक डेंस शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हमारे एटलास में पाइवोट करता है और वहां पे रोटेशन मूवमेंट प्रोवाइड करता है। थोरैसिक वर्टिब्रे यानी कि हमारे T1 से T12, थोरैसिक वर्टिब्रा बेसिकली साइज में इंक्रीज होते हैं। जैसे हम T1 से T12 की तरफ जाते हैं, सो हमारा जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। T1 का साइज सबसे छोटा और T12 का साइज सबसे बड़ा होता है। यहाँ बेसिकली स्मॉल पेडिकल्स होते हैं, पर कई स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, और रिलेटिवली लार्ज वहाँ इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होते हैं, जिससे हमारे एक रीजन से अगर इस न्यूरल
यानी हमें इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में अगर किसी भी तरह का इसका जो पैसेज है वो कम हो जाए तो नर्व कंप्रेशन बढ़ने लगते हैं, यानी कि यही इसी नर्व फोरामेन से हमारे जो नर्व पाथ है वो होकर के गुजरते हैं। सो अगर इंटरवर्टिब्रल फोरामेन कम हो जाएगा तो नर्व कंप्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। रिब केज हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच रहते हैं, जो कि T12 और T12 लेवल पे रिब्स अटैच नहीं होते। सो जो रिब्स हमारे जो T11 और T12 रिब्स पर अटैच नहीं होती उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। थोरेसिक स्पाइन का हमारा जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो बेसिकली लिमिटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिब और वर्टिब्रा का कनेक्शन है और लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस के कारण यहाँ उतनी रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पाती जितनी हमारी स्पाइन सर्वाइकल स्पाइन में हो या फिर हमारे वर्टिब्रल कॉलम या हमारे लंबर वर्टिब्रा में हो। कुछ इस तरह का हमारा थोरेसिक वर्टिब्रल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हमारा एक्सियल व्यू और लैटरल व्यू हम देखें तो जो पहला एक्सियल व्यू में हमारे नंबर वन मार्क है वो हमारा वर्टिब्रल बॉडी, नंबर टू जो मार्क है वो हमारा स्पाइनस प्रोसेस, थ्री हमारे जो ट्रांसवर्स फैसेट, फोर हमारे पेडिकल्स है, फाइव हमारा फोरामेन। सो यही फोरामेन है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन जहाँ से न्यूरल पाथवेज होकर गुजरते हैं। तो अगर कोई भी न्यूरल फोरामेन कम हो जाते हैं साइज में तो इनमें कंप्रेशन बढ़ जाता है। छठवा है हमारा लेमिनर और सातवा हमारा सुपीरियर फैसेट। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे एक ट्रांसवर्स फैसेट है और एक सुपीरियर फैसेट है और हमारे न्यूरल फोरामेन है, वर्टिब्रल बॉडी है, पेडिकल है जो कि एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, फोरामेन है हमारा स्पाइनस प्रोसेस है। तो इस तरह का हमारा एक बेसिक थोरेसिक वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं हम लंबर वर्टिब्रे के बारे में। सो लंबर वर्टिब्रा बेसिकली एक ग्रेजुलिक साइज में होता है कि जो L1 और L5, सो L1 L5 से वो साइज में इंक्रीज होते जाते हैं। इस वर्टिब्रे में ही सबसे ज्यादा बॉडी का वेट बियर होता है और यहाँ बायोमैकेनिकल स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है। जो पेडिकल्स होते हैं वो हमारे थोरेसिक स्पाइन से ज्यादा लॉन्ग और वाइडर होते हैं। जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और स्क्वायर शेप का होता है। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन यानी हमारे जो न्यूरल पैसेज वे है वो रिलेटिवली बड़ा होता है हमारे थोरेसिक स्पाइन्स, क्योंकि हमारे जो लंबर वर्टिब्रा है यहाँ पे नर्व रूट कंप्रेशन ज्यादा होता है हमारे लंबर रीजन में थोरेसिक स्पाइन के कंपैरिजन। सो बेसिकली हमारे सबसे ज्यादा जो बॉडी का वेट बेयर होता है वो हमारे लंबर वर्टिब्रा में होता है और इनका जो साइज होता है वो ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है लंबर वर्टिब्रा का। हम एक्सियल व्यू देखें और लेटरल व्यू देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे जो पेडिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू थोड़ा से जो न्यूरल फोरामेन यानी कि हमारे जो फोरामेन स्ट्रक्चर होता है वो भी लार्जर होता है एज कम्पेयर टू थोरेसिक स्पाइन।
स्पाइन, सैक्रम बेसिकली लोकेटेड होता है हमारा पेल्विस के पास। यहाँ पांच बोन होती है S1 से S5 जो कि फ्यूज्ड होती है और एक ट्राइंगुलर शेप फॉर्म करते हैं, और यही बोन्स हमारे सैक्रम को फॉर्म करते हैं। सो बेसिकली इनका फ्यूजन होता है हमारे जब बेबी वूम में डेवलप हो रहा है। सो सैक्रम फिट होता है दो हिप बोन्स के बीच में जो कनेक्ट करते हैं स्पाइन को पेल्विस से। जो हमारा लास्ट लंबर वर्टिब्रा होता है L5 वो आर्टिकुलेट करता है और मूव करता है सैक्रम के साथ। इमीडिएटली बिलो द सैक्रम हमारे 5 एडिशनल बोन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फॉर्म करते हैं कॉर्सेट्स, और ये कॉर्सेट्स भी हमारे फ्यूज्ड होते हैं और ये हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स और हमारे लिगामेंट से अटैच रहते हैं, यानी को हम टेल बोन कहते हैं। स्पाइनल कॉलम में सिर्फ बोन्स नहीं होती, इसमें कई तरह के स्पाइनल डिस्क कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। इसका एस शेप मेंटेन रहे, स्किन और स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करे और नर्व्स को रूट दे, इसलिए इसके पास और भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो हमारा स्पाइनल डिस्क होता है, जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इस डिस्क में फाइब्रस पैड ऑफ टिश्यू होते हैं, जिसे हम फाइब्रोकार्टिलेज कहते हैं, और एक वर्टिब्रल एंड प्लेट यानी कि कार्टिलेजिनियस एंड प्लेट्स होते हैं, स्टार्टिंग एट C3 और जो हमारे C3 से L5 सैक्रम तक जब जो हमारे कनेक्शंस होते हैं उसमें हमारे एंड प्लेट्स होते हैं जो हमारे कार्टिलेजिनियस एंड प्लेट्स हैं। ये जो हमारे डिस्क होते हैं ये बेसिकली एक इंटर बॉडी स्पेसर्स और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। C1 और C2 के बीच में कोई भी स्पाइनल डिस्क प्रेजेंट नहीं होते, ना ही हमारे सैक्रम और कॉर्सेट्स के बीच में। फेसेट जॉइंट्स, फेसेट जॉइंट्स हमारे पेयर्ड स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे मतलब लेफ्ट और राइट साइड्स में। सो एट द बैक ऑफ इच वर्टिब्रा वहां पे फेसेट जॉइंट्स फॉर्म होते हैं जो कि हमारे C3 से L5 तक होते हैं। इन्हीं जॉइंट्स को कभी कभी या कुछ लोग जाइगोफेशियल या एपोफेशियल जॉइंट भी कहते हैं। ये बेसिकली हेल्प करते हैं हमारे जो स्पाइन है उसको स्टेबिलाइज करने में और अलाउ करते हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और ट्विस्टिंग मूवमेंट। जैसा हमने अपने पहले और दूसरी स्लाइड में ही देखा था कि फेसेट जॉइंट बेसिकली हमारे स्पाइन के ट्विस्टिंग और बेंडिंग मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सो बाकी जॉइंट्स की तरह फेसेट जॉइंट भी एक कैप्सूल में एनक्लोज होता है जो कि बने होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू से, जो प्रोड्यूस करते हैं नरिशिंग फ्लूइड जो हमारे जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट करते हैं। कार्टिलेज हमारे जो जॉइंट सरफेसेस हैं उनको कोटिंग देते हैं और ये एंश्योर करते हैं कि वहां पे स्मूथ मूवमेंट हो सके। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइनल लिगामेंट्स, सो हमारे स्पाइन में भी डिफरेंट टाइप ऑफ लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो स्ट्रॉन्ग, टफ और बैंड ऑफ टिश्यू होते हैं जो कनेक्ट करते हैं वर्टिब्रास को, डिस्क को, फेसेट जॉइंट्स को, और इनका बेसिक फंक्शन होता है कि वो हमारे स्पाइनल कॉलम को स्टेबिलाइज करें और सपोर्ट रखें, चाहे वो रेस्ट में हो या ड्यूरिंग द मूवमेंट। कुछ इस तरह के हमारे फेसेट जॉइंट होते हैं। सो फेसेट जॉइंट बेसिकली हमारे स्पाइन के ट्विस्टिंग और बेंडिंग मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इस
इमेज में हम देख पा रहे हैं हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो आपको ब्लूश कलर में दिख रहे हैं वो हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। स्पाइनल नर्व्स है जो हम येलो फिश कलर में देख सकते हैं। वैसे जॉइंट्स है हमारे लिगामेंट है जो हमारे स्पाइनल कॉलम को सपोर्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड है और हमारे वर्टिब्राज है। सो दो वर्टिब्राज के बीच में हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक तरह से इंटरस्पेसर की तरह जॉइंट इंटरस्पेसर की तरह काम करते हैं। इनमें दो स्ट्रक्चर्स होते हैं एक एनुलस फाइब्रोसस और न्यूक्लियस पल्पोसस। सो वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली प्रोटेक्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट्स को जो कि हमारे पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के और वो स्टार्ट होता है हमारा बेस ऑफ द ब्रेन से। सो वर्टिब्रल स्ट्रक्चर्स एक कंटिन्यूअस राउंड होलो स्पेस रहते हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे सर्वाइकल और लंबर स्पाइन से उनको एक हॉलो स्पेस में बाइंड करके रखते हैं। हमारी कई तरह की स्मॉल नर्व रूट ब्रांच निकलती हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो कि एग्जिट होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से थ्रू दी फोरामेन जिसे हम फोरामिना या न्यूरल न्यूरो फोरामेन कहते हैं। हर फोरामिनल स्पेस लेफ्ट और राइट साइड के जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो दो वर्टिब्रल बॉडीज को कनेक्ट करते हैं। जैसे ही जो नर्व रूट एग्जिट होते हैं हमारे स्पाइनल कॉलम से जो ये ब्रांच आउट होते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और यहीं से हमारी पूरी बॉडी में हेड टू टो में ये स्प्रेड होते हैं। सो बेसिकली इनका जो फंक्शन होता है वो मैसेज का ट्रांसमिशन होता है जो कि हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आ रहे। अभी तक हमने अपने स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम के बारे में समझा। अब हमारे लिए इजी होगा स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के बारे में समझने में। सो बेसिकली स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्पाइन की इंस्टेबिलिटी होती है, यानी कि हमारा एक जो वर्टिब्रा होता है वो दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर स्लिप हो जाता है। सो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में हमारा जो एक वर्टिब्रे रहते हैं वो दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर डिस्प्लेस हो जाते हैं या स्लिप हो जाते हैं। इस स्लिपेज के कारण या इस डिस्प्लेसमेंट के कारण कई बार जो नर्व रूट्स हैं उनमें प्रेशर होता है। इस प्रेशर के कारण पेशेंट को बैक पेन लेग पेन फील होता और इस स्लिपेज का बेसिक कॉज होता है हमारी जो स्पाइन है उसकी इंस्टेबिलिटी। अगर हमारी स्पाइन इंस्टेबल है तो हमारे वर्टिब्रल जो है एक दूसरे के ऊपर डिस्प्लेस हो सकते हैं। सो इस इमेज में हम देख सकते हैं एक हमारे नॉर्मल वर्टिब्रल कॉलम है और दूसरे हमारा स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस वाला वर्टिब्रल कॉलम जिसमें एक वर्टिब्रा का इंजर्ड हुआ और वहां से एक ब्रोकन पीस बाहर निकला तो हमारे जो एक वर्टिब्रा है वो वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर स्लिप कर गया या डिस्प्लेस कर गया। इसी क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे स्पाइन में नर्व ओरिजिनेट होते हैं कई नर्व रूट्स निकलते हैं। सो इन नर्व ओरिजिनेशन में अगर हमारे वर्टिब्रा
एक दूसरे से स्लिप करते हैं, और स्लिप के वक्त जो नर्व रूट का कंप्रेशन होता है तो वो हमारे लेग पेन को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली बैक पेन तो होगा लेकिन उसी के साथ लेग पेन भी पेशेंट को फील हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में। पहला टाइप है हमारा कंजेनाइटल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। सो कंजेनाइटल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस तब अकर होता है जब बेबी का स्पाइन प्रॉपरली फॉर्म ना हो, यानी कि बर्थ के पहले अगर कोई भी मिस अलाइनमेंट हुआ है या बेबी का स्पाइन फॉर्म नहीं हुआ है, और बर्थ के बाद किसी भी एज में अगर किसी भी रीजन से वर्टिब्रा का मिस अलाइनमेंट हुआ, तो ऐसे कंडीशन को हम कंजेनाइटल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। इस्थमिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, इस्थमिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस तब होता है जब स्पॉन्डाइलोलाइसिस किसी को होता है। बेसिकली इस्थमिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस एक रिजल्ट होता है स्पॉन्डाइलोलाइसिस का। सो यहाँ पे एक क्रैक होता है या फ्रैक्चर होता है जिससे जो बोन होती है वो वीक हो जाती है और इसी कारण स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस या इस्थमिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता है। डीजेनरेटिव स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, ये सबसे कॉमन टाइप का स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता है जो कि बेसिकली एजिंग के कारण होता है। जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में कई तरह के डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं और ओवर द टाइम हमारे जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो वाटर से बना होता है, सो उस डिस्क का वाटर कम होने लगता है और अल्टीमेटली वो कुशन का काम जो करती थी वो काम अब नहीं कर पाती। डिस्क हमारी थिनिंग हो जाती है और जब डिस्क थिन है तो स्लिप आउट यानी कि हमारे वर्टिब्रास एक दूसरे के ऊपर डिस्प्लेस होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। कुछ अगर हम कॉमन टाइप जो कि बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, अगर हम ऐसे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में बात करें तो उनमें से एक होता है ट्रॉमेटिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। सो ट्रॉमेटिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस तब होता है जब किसी इंजरी के कारण वर्टिब्रा का डिस्प्लेसमेंट हुआ या वर्टिब्रा किसी इंजरी के कारण स्लिप हुए। सो ट्रॉमेटिक लंबर स्पाइन जो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है वो बेसिकली रेयर होता है और बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बेसिकली तब होता है जब हमारे जो वर्टिब्रल लंबर फ्रैक्चर है, हमारे वर्टिब्रल में अगर लंबर फ्रैक्चर हुआ है तब बेसिकली L4 L5 में अगर ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है तब हमें ट्रॉमेटिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस देखने को मिलता है।
और इसका मेन रीजन होता है किसी भी हाई एनर्जी का ट्रॉमा होना या इम्प्रॉपर यूज ऑफ सीट बेल्ट। सो बेसिकली यह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हमें ज्यादातर देखने को मिलता। पैथोलॉजिकल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। सो पैथोलॉजिकल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस तब होता है जब पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज रही, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस या ट्यूमर रहा। जो पैथोलॉजिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में स्लिप होते हैं वर्टिब्राज अगर वो ऑलरेडी वीक है, यानी कि हमारे बोन्स वीक है। जैसे हम जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस में बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, सो उसके बाद वर्टिब्राज एक दूसरे के ऊपर स्लिप होने के लिए ज्यादा प्रेवलेंट हो जाते हैं। किसी तरह का अगर कैंसर है, कोई भी अगर बोन डिजीज है, तब भी पैथोलॉजिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस देखने को मिल सकता है। इस वीकनिंग के कारण हमारे जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वर्टिब्रा का, जो कि न्यूरल आर्च है, उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और जैसे ट्रॉमेटिक टाइप हमारी रेयर थी, वैसे ही पैथोलॉजिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस भी रेयरली ही होते हैं। इनमें ये बहुत कॉमनली नहीं देखे जाते हैं। और अगर किसी को एक मल्टीपल प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, एक के साथ और कई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं, तभी हमें पैथोलॉजिकल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस देखने को मिलते हैं। पोस्ट सर्जिकल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, बेसिकली अगर कोई भी स्पाइनल सर्जरी हुई है और स्पाइनल सर्जरी में कोई एरर आया है या स्पाइनल सर्जरी करते समय कुछ डिफेक्ट रह गया, सो ऐसे केस में हमारी जो वर्टिब्राज है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाते, और ये स्लिपेज ही कहलाता है पोस्ट सर्जिकल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। जैसा ट्रॉमेटिक पैथोलॉजिकल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस रेयर है, वैसे ही पोस्ट सर्जिकल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस भी बहुत रेयरली देखा जाता है। इन तीनों के प्रेवलेंसी बहुत ही कम होती है और इनके पेशेंट्स भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस और स्पॉन्डिलोसिस में बेसिकली कई बार कंफ्यूजन रहता है। सो स्पॉन्डाइलोलाइसिस और स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस दोनों में ही बैक पेन होता है, दोनों रिलेटेड है लेकिन दोनों सेम नहीं है। पहले बात करते हैं स्पॉन्डाइलोलाइसिस के बारे में। सो स्पॉन्डाइलोलाइसिस बेसिकली एक स्पाइन डिफेक्ट है, इसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है या स्पाइन बोन्स क्रैक होती है। यंग एथलीट्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है। स्पॉन्डाइलोलाइसिस स्पाइन कंडीशन होती है जो पेनफुल भी होती है, और इस ये जो प्रॉब्लम है इसमें कनेक्शन बिटवीन द वर्टिब्रा जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। जो हमारी बोन्स जो हमारे स्पाइन को मेक करती हैं, बनाती हैं, जो इसे हम वर्टिब्रे कहते हैं, सो दो वर्टिब्रस के बीच का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर नहीं होता। किसी को अगर स्पॉन्डाइलोलाइसिस है तो वहां पे स्मॉल स्ट्रेस फ्रैक्चर या क्रैक देखने को मिल सकता। ये बेसिकली एक इसको एक तरह के स्पोर्ट्स इंजरी भी हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन में ये हमें ज्यादा देखने को मिलती। स्पॉन्डाइलोलाइसिस को ही पार्स डिफेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि टाइम वहां पे एक जो हमारी स्पाइनल बोन होती है वो उसका डिफेक्ट होता है, जिसे हम पार्स इंटर आर्टिकुलरिस कहते हैं। सो वो डिफेक्ट हमारा रहता है। स्पॉन्डाइलोसिस कॉमन लेकिन बहुत सीरियस नहीं।
जिन पेशेंट्स, कई पेशेंट्स में ऐसा भी देखा जाता है कि स्पॉन्डाइलोलाइसिस उनको है लेकिन वो उनको कोई किसी तरह का पेन एक्सपीरियंस नहीं होता है, और किसी में पेन होता है। सो बेसिकली ये कि डीजनरेटिव कंडीशन, अगर किसी को डीजनरेटिव कंडीशन पहले से है, सो जैसे जैसे पेशेंट की एज आगे बढ़ती है तो उसके सर्वाइकल, उसके थोरेसिक, उसके लंबर और लंबोसैक्रल, इन चार रीजन में हमें ज्यादातर स्पॉन्डाइलोलाइसिस देखने को मिलता है। स्पॉन्डाइलोसिस के अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो स्टिफनेस रहेगी, पैरास्थीसिया रहेगा जैसे कि नंबनेस रहेगी, पिंगलिंग सेंसेशन रहेगा, जो रेंज ऑफ मोशन है वो लिमिटेड रहेगा, और पेशेंट को पेन होगा। ये पेन कई बार रेडिएटिंग नेचर का हो सकता है, लेकिन कई बार स्पॉन्डिलोसिस में पेशेंट्स को पेन भी नहीं होता, और इस पेन का रीजन होता है क्योंकि इंपिंजमेंट होती है या इसका हर्निएशन होता है। वैसे तो स्पॉन्डिलोसिस किसी भी जॉइंट को इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे स्पाइन के किसी भी जॉइंट को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है कि ये नेक और लोअर बैक में ही होते हैं। सो नेक हमारी सबसे ज्यादा खतरे में होती है स्पॉन्डिलोसिस के, क्योंकि हेड का वेट बियर करना होता है और वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट के कारण स्पॉन्डिलोसिस हमारे नेक एरिया में ज्यादा प्रिवलेंट होती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन के अकॉर्डिंग हमारे जो 85% लोग हैं जिनकी एज 60 की एबव है, उनमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस देखने को मिलता है। लोअर बैक भी रिस्क में होते हैं, सो मोर देन 80% पीपल जो एज 40 के ऊपर होते हैं, खास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्रीज में, वहाँ लंबर स्पॉन्डिलोसिस लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है, और उनमें से कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको किसी भी सिम्टम नहीं होते, कोई पेशेंट को पेन फील नहीं होता। सो स्पॉन्डिलोसिस और स्पॉन्डिलोस्थेसिस का जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हमें स्पॉन्डिलोस्थेसिस के भी ओवरऑल समरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बेसिकली ये स्पॉन्डिलोस्थेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वर्टिब्रा स्लिप हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन स्पॉन्डिलोलाइसिस के कारण भी स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो सकता है, बट स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के कारण स्पॉन्डिलोलाइसिस नहीं होता। स्पॉन्डिलोलाइसिस के कारण स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है तो स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण भी पेशेंट के जो वर्टिब्रा है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकते हैं। तो डिस्क होती है जो वर्टिब्रा और फेसेट जॉइंट्स के बीच में, उसमें अगर कोई भी वेयर एंड टीयर हुआ है तो वो थिन हो जाती है, और थिन वर्टिब्रा या थिन डिस्क स्पेस वाली वर्टिब्रल कॉलम में या पेशेंट्स में ये ज्यादातर देखने को मिलता है कि उनमें स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होता। और इसका एक बेसिक रहता है कि कई बार पेशेंट्स को स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के सिम्टम्स ही नहीं होते, लेकिन अगर उनमें सिम्टम्स आना शुरू हो रहे हैं तो उनमें बैक पेन तो रहेगा, उसी के साथ साथ अगर नर्व रूट का कंप्रेशन हुआ या हमारे जो स्पाइनल कैनाल है उसका कंप्रेशन हुआ है तो वहाँ पे लेग पेन भी पेशेंट को फील हो सकता है। ये कंप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो वर्टिब्रल, एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर स्लिप करते हो तो वहाँ का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है नर्व्स के लिए, इसलिए वहाँ पे इम्पिंजमेंट हो सकता है। कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के बारे में। यहाँ पे वर्टिब्रा का फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक ब्रोकन बोन हुई उसके बाद फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उस डिस्प्लेसमेंट के कारण
हमारी जो नर्व है वो पिंच हो गई, बेसिकली हमारे जो स्पाइनल नर्व्स है वो पिंच हो। और पहले पेन पेशेंट को सिर्फ लोअर बैक तक रहता है, लेकिन नर्व पिंच होने के बाद जो पेन होता है वो रेडिएट होने लगता है लोअर लेग तक। साथ ही कई पेशेंट में पैरेस्थीसिया जैसे सिम्टम्स, टिंगलिंग, नमनेस जैसे सेंसेशंस भी देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस पर यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।